थैंक यू सो मच एंड आई एम वेरी डिलाइटेड टू ज्वाइन एज आईजी कश्मीर फ्रंटियर एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क इन दिस एरिया एंड एंश्योर दैट आवर बॉर्डर्स आर सेफ एंड वी आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन कोऑर्डिनेशन विद अदर एजेंसीज इन इंटरनल सिक्योरिटी एंड ROP and related things. So हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी सीमाएं हरदम protected रहें और infiltration का या smuggling का जो भी efforts हो उनको हम नापाक करें. Sir, how are you looking at the situation at the Kashmir borders? See, our primary responsibility here is to work under army's overall operational control and unse kandhe se kandha mila ke hum LC par hamare jawan tainat hain. LC pe kafi measures liye gaye hain army dwara aur BSF dwara jisse ki hamari seemaye aur zyada protected rahe. एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टेकल सिस्टम्स एडवांस सिस्टम्स देन स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम वो सब कई जगह पे लगाए गए हैं और उनमें और भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है. उसके साथ साथ नए उपकरण नए वेपन्स सर्विलेंस इक्विपमेंट वो हमारी बॉर्डर फोर्सेस को हम दे रहे हैं जिससे कि उनकी प्रोफेशनल एफिशिएंसी और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो और किसी भी तरह की कोई भी बिड जो बॉर्डर पे हो या वो इन्फिल्ट्रेशन की हो या क्रॉस फायरिंग की हो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की उसका हम करारा जवाब दें. यार जी आने वाला समय जो है सर्दियों का है बर्फबारी होगी जो ट्रेडिशनल इन्फिल्ट्रेशन रूट्स है वो बंद हो जाएंगे. इससे पहले कोशिश हमेशा से देखी गई है कि उस पार से जो है घुसपैठ की कोशिश करते हैं ऐसे कोई रूट्स है आपके पास घुसपैठ की कोशिश हो सकती है या फिर जो उस तरफ लॉन्चिंग पैड्स है वो कितने इंटैक्ट है कितने लोग हैं जो घुसपैठ की तरह जी घुसपैठ की जो इंटेलिजेंस इनपुट्स की हमारे पास रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी मैन पावर को डिप्लॉय करते हैं. उसी तरह से जो की वल्नरेबल इन्फिल्ट्रेशन रूट होते हैं उनको हम अपनी मैन पावर लगा के पेट्रोलिंग और सर्विलेंस इक्विपमेंट लगा के उनको प्रोटेक्ट करते हैं. सो हम बहुत ही सजग बहुत ही चौकन्ने और बहुत ही अलर्ट हैं और किसी तरह के भी इस तरह के अटैम्प्ट होंगे आई थिंक वी विल गिव ए वेरी स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स टू दैट. यादव साहब क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है ड्रोन का काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें हम देखेंगे आरसपुरा वगैरह जो इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है तो इन चीज़ों को किस तरह बी एस एफ टैकल कर रही है देखते हुए. जी ड्रोन के द्वारा स्मगलिंग ऑफ आर्म्स और स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स एक नया चैलेंज उभरा है और उस उभरते चैलेंज को देखते हुए BSF ने BSF हेडक्वार्टर से और डिफरेंट फ्रंटियर्स ने काफ़ी मेजर्स लिए हैं. एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी जो काफ़ी जगह अवेलेबल है काफ़ी हमारी मेक इन इंडिया कंपनीज भी बना रही हैं उन इक्विपमेंट को हम एग्जामिन कर रहे हैं और काफ़ी ड्रोन हमने डिफरेंट फ्रंटियर्स में गिराए भी हैं. सो वो एक चैलेंज है और उसको चैलेंज लेते हुए हम अपनी टेक्नोलॉजी उसी तरह से इम्प्रूव कर रहे हैं और इस तरह के जो भी एफर्ट हैं उसको थॉट कर रहे हैं. सर इमरजेंसी के साथ साथ एक नया चैलेंज जो खड़ा हुआ है नारकोटिक्स का हुआ है जिसमें अगर हम तकनीक की बात करें ड्रग्स में बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इस समस्या से लड़ने के लिए उसको रोकने के लिए कुछ खास कदम उठाए. जी इसके दो पहलू हैं एक तो जो सीमा पार से ड्रग की स्मगलिंग होती है उसको रोकना दैट वी आर डूइंग थ्रू आवर बॉर्डर मैनेजमेंट एंड आल्सो इन हिंटरलैंड आल्सो थ्रू आवर पेट्रोल पार्टीज. उसका दूसरा पहलू है कि हम सीमा के इलाके वाले गांवों में हम यूथ के साथ काफ़ी काम कर रहे हैं युवा लोगों के साथ हम उनको एंगेज कर रहे हैं कि वो देश के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करें और
क्रिएटिव चीज़ों में एंगेज हों जिससे कि वो इस ड्रग के मेहनत से दूर रह सकें। सो वो हमारा एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है कि युवा को डेवलपमेंट में भागीदार बना के एक डेवलपिंग कश्मीर, एक अच्छा कश्मीर बनाया जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Sadhguru.